जयराम ठाकुर ने पुरानी पेंशन स्कीम और कर्ज को लेकर भी कांग्रेस की सुक्खू सरकार के खिलाफ हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कंडवाल में महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति में पहुंचे थे। क्या बोले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सुनिए विस्तार से। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने कहा है, कहा तो ये था कि 1 तारीख से जो है वो पैसा कटना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसमें क्लैरिटी नहीं, उसमें स्पष्टता नहीं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने कहा था, यही कहा था कि पहली कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, घोषणा की, लेकिन अभी तक लागू हुई और इसका स्वरूप किस प्रकार से बनेगा अभी वो लेकर के भी स्पष्टता नहीं। देखिए बड़ा दिलचस्प ये है, शोर इस कदर उन्हें डालने की कोशिश की जैसे कि पीछे की सरकारें जो रही है उन्हें कर्जा लिया ही। जब आंकड़े विधानसभा के अंदर पूछे गए तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कर्जे लिए वो कांग्रेस की जो 12 से 18 तक जो सरकार रही, 2012 दिसंबर से 2017 तक जो सरकार रही, उसकी तुलना में ज़्यादा नहीं लिए, उतना ही कर्जे लिए। अब आज हम इस प्रश्न को पूछ रहे हैं कि हम तो हिमाचल प्रदेश में 1 साल में लगभग 4000 करोड़ रुपये ऋण लिए, 1 साल में 4000, और लगभग 5 साल में ये 20000 करोड़ के लगभग बनता है, लेकिन यहाँ तो सारा रिकॉर्ड टूट गया, 3 महीने में 6000 करोड़ रुपए का ऋण कांग्रेस पार्टी ले चुकी है। आप कल्पना करिए कि कहाँ तक आंकड़ा जाने वाला है। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट।